तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। एंड मेरे भाई लोग, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को मैजिक कूप कैसे मिलेगा। एंड गाइस, इसके साथ मैं बताने वाला हूँ कि आज का क्यूज आंसर क्या है। एंड मेरे भाई लोग, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आप लोगों को मैजिक कूप कैसे मिलेगा, तो मेरे भाई लोग आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। एंड मेरे भाई लोग, इसी के साथ चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू से पहले आप जो भी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो मेरे भाई लोग लाइक कर देना। एंड मेरे भाई लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड के साथ में बेल को ऑल पे सेट कर देना, जिससे कोई नया इवेंट या कोई नया रिडीम कोड मिलेगा तो भाई जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो भाई आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरे लोग चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आज का क्यूज का आंसर क्या है। एंड गाइस, मैं बाद में बताऊंगा कि आप लोगों को मैजिक कूप कैसे मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली फोर्थ एनिवर्सरी पे क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको देख लो यहाँ पे एनिवर्सरी क्यूज पे आना है। एंड गाइस, जैसे आओगे तो देख लो यहाँ पे ओपन हो चुका है। एंड गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया था तो वही देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट वाज द वेपन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब ऐसे पिछले साल कौन सा गन से ज्यादा किल हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे मतलब आप लोगों को मालूम है सबसे ज्यादा शॉर्ट रेंज में कौन सा गन यूज होता है, तो गाइस वो है MP40। तो गाइस, आप लोगों को MP40 पे क्लिक करना है। जैसे करोगे तो गाइस आप लोगों को सबमिट करोगे तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि देख लो यहाँ पे इसका आंसर सही हो गया। तो गाइस, आपको यहाँ पे आके ये MP40 को चुनकर आपको सिंपली सबमिट करना है। तो गाइस देख लो यहाँ पे मेरे को पैराशूट मिल रहा है, तो गाइस चलो मैं पैराशूट ले लेता हूँ। एंड गाइस, मैंने यहाँ पे एक छोड़ दिया था इसीलिए मेरे को यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं तो आज मेरे को पूरा कंप्लीट हो जाता। तो गाइस देख लो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को पिन मिलेगा, तो गाइस अगर आप लोग पूरा कंप्लीट किए होंगे तो गाइस आप लोगों को ये पिन मिल जाएगा। तो गाइस देख लो यहाँ पे फोर्थ यूनिवर्सिटी का पिन है, तो गाइस अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, या तो आप यूज नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। तो गाइस आप लोगों को ये मिलने वाला है आज, क्योंकि मैंने एक छोड़ दिया था इसीलिए नहीं मिला। तो गाइस ये तो रहा आज का आंसर। एंड गाइस चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को मैजिक कूप कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो मेरे भाई लोग, आपको सिंपली करना क्या, देख लो आपको यहाँ पे इवेंट पे आना है। एंड गाइस फोर्थ यूनिवर्सिटी पे आना है। एंड गाइस यहाँ पे इवेंट कैलेंडर पे आना है। तो मेरे भाई लोग, आप यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले टू गेट कूप फ्रेगमेंट। तो गाइस देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर आप गेम खेलोगे तो गाइस आप लोगों को मैजिक कूप का जो फ्रेगमेंट होता है गाइस वो आप लोगों को मिलने वाला है। तो गाइस ये कैसे मिलेगा, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, आप देख लो यहाँ पे 28 तारीख से ये स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप देख लो 28 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले टू गेट कूप फ्रेगमेंट, मतलब आप जिसे गेम खेलोगे तो गाइस आप लोगों को मैजिक कूप का फ्रेगमेंट मिलने वाला है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले वाले बहुत सारे मतलब यहाँ पे इवेंट आया है जिसमें आप लोगों को मैजिक कूप का फ्रेगमेंट मिलता है, लेकिन गाइस वहाँ पे लिमिट दिया हुआ रहता है कि आप लोगों को सिर्फ 50 फ्रेगमेंट मिलेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। लेकिन गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ प्ले टू गेट कूप फ्रेगमेंट, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लिमिट, तो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं कि आप लोगों को सिर्फ 50 मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को ऊपर है कि आप इस मतलब कितना फ्रेगमेंट ले सकते हो। एंड में भले जैसे कि ये इवेंट स्टार्ट होगा फ्रेगमेंट मिलने वाला है, तो गाइस जैसे यहाँ पे कोई जैसे अनलिमिटेड मिलेगा तो गाइस मैं इस पर ट्रिक निकाल दूंगा और गाइस आप बहुत सारे फ्रेगमेंट ले पाओगे। तो मेरे भले अगर आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे भले देख लो यहाँ पे फ्रेगमेंट में कोई अभी लिमिट नहीं लगाया है, शायद 28 तारीख को यहाँ पे लिमिट लगा दे, गिरने का कोई ठीक नहीं, कभी मतलब कभी भी कुछ कर सकता है। तो आज अभी तो यहाँ पे लिमिट नहीं लगाया। एंड मेरे भाई लोग, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को बहुत जल्द मैजिक कूप के अंदर न्यू बंडल देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट मिल रहा है, तो शायद आप लोगों को मैजिक कूप के अंदर न्यू बंडल देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप मतलब जाके न्यू बंडल को ले पाओगे। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोगों को मैजिक कूप कैसे मिलेगा, आपको 28 तारीख को ये फ्रेगमेंट मिलेगा जैसे गेम खेलोगे, तो आज गेम खेल के जैसे शायद बैक करोगे तो गाइस आप लोगों को ये मिलने वाला है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे भाई लोग वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना। एंड मेरे भाई लोग, आज के वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।